Hallelujah. Amen. And Philippians chapter 4 verse 4 mein aisa bol raha hai. Philippians chapter 4 verse 4 mein aisa bol raha hai. It says like this, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Anand manao prabhu mein har waqt, aur tumko bol raha hai anand manao. It's like bachcha logo bolte nahi hum log bar bar, oh darwaza band kar de, darwaza band kar de, bolte na hum log bachcha logo ko kuch nahi karna hai, kuch nahi karna hai, do teen bar bolte na hum log bachcha logo ko. Waise hi apostle Paul hum log ko bar bar bol raha hai कि परमेश्वर में आनंद मनाओ बोल के. हालेलुया, आमेन. इंटरेस्टिंग है कि नहीं? आई थिंक फिलिपींस का किताब में आई थिंक अराउंड एटलीस्ट 16 टाइम्स रिजॉइस, आनंद मनाओ ना, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ का बात 16 टाइम्स लिखा हुआ है एक छोटा सा किताब में. आमेन. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अपोस्टल पॉल जेल में था, हाउस अरेस्ट में था, उस समय में ये लेटर लिखा उसने. हालेलुया. जब रोमन सरकार गवर्नमेंट उसको बांध के रखा था जेल में, मतलब हाउस अरेस्ट करके रखा था उसको, उस टाइम में वो लेटर लिखा चर्च को, फिलिपाई का चर्च को लिखा और बोल रहा है कि आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, और तुम लोग आनंद मनाओ, आनंद मनाओ और आनंद मनाओ बोल रहा है. इंटरेस्टिंगली, आमेन. और कोई लोग बोलेगा यार इसका तो ग्रीक वर्ड क्या है इसका, ना नया नियम तो ग्रीक में लिखा है ना, पुराना नियम हिब्रू में लिखा है, नया नियम ग्रीक में. ग्रीक वर्ड क्या है? पहले अंग्रेजी का वर्ड तो कर लो, हिंदी का वर्ड तो कर लो ना पहले ना, उसके बाद में ग्रीक वर्ड पूछो. तो आनंद मनाओ का मतलब क्या है? अखोमे में आनंद मनाओ का मतलब क्या है? नहीं नहीं, मतलब क्या है लेकिन? आनंद, मुझे आनंद मनाया से ये है ना, क्या है आनंद मनाने का मतलब? क्या है? खुशी मनाना. चाहे वो ग्रीक में हो, हिब्रू में हो, लैटिन में, स्पेनिश में, एसएमएस में हो, बोरो कचहरी में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, आनंद मनाना तो आनंद मनाना ही है. हालेलुया, आमेन. बोल रहा है कि आनंद मनाओ बोल रहा है. एक्स चैप्टर 16 में पॉल और साइलस का कहानी है. ये कहानी सब लोग जानता है, आई थिंक यू नो मोस्ट ऑफ अस नो. पॉल और साइलस को वो लोग ने क्या करा, पीट के. सब लोग बोलो पीट के, ना मतलब पीट में उठा के दे, पीट के मतलब मार के ना. एक्स चैप्टर 16 आई थिंक इट्स इन वर्स 22 में बोल रहा है कि देन द मल्टीट्यूड रोज अप अगेन टुगेदर अगेंस्ट देम एंड मैजिस्ट्रेट टोर ऑफ देयर क्लोथ्स एंड कमांडेड देम टू बी बीटन विद रॉड्स. बोल रहा है कि वो लोग सब जमा होके, सब लोग बोलो सब लोग ना, हम लोग सब मिलके चलो ब्रदर मोसेस को मारेगा. नहीं मारेगा, लेकिन अगर हम लोग सब मिलके मारेगा उसको, उसका तो हालत क्या हो जाएगा सोचो तो ना. एक तेरे थप्पड़ मारे ले भी तो बा. या आप लोग बोलेगा पास्टर को मारेगा हम लोग सब, एक तेरे थप्पड़ न्यू ईयर का नाम से एक थप्पड़ देगा पास्टर को. हम लोग घर पहुंचते पहुंचते मेरा इधर टैटू बन जाएगा. सब लोग मल्टीट्यूड, अंग्रेजी में मल्टीट्यूड का मतलब है बहुत लोग. हम लोग यहां मल्टीट्यूड नहीं है, बहुत है हम लोग, लेकिन मल्टीट्यूड का मतलब बहुत है, गिन नहीं सक रहा है आप. द मल्टीट्यूड गैदर्ड बोला, सब लोग जमा हुआ बोला, सब लोग जमा होके उनका कपड़ा फाड़ दिया बोला, और मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया. सोच के देखो, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, कैब का तरह, कैब सी ए का तरह ऑर्डर दिया. एनआरसी बना हुआ लगी वो ना, उसका तरह ऑर्डर दिया बोल रहा है कि रॉड से पीटो. सलो बोलो रॉड. रॉड मालूम है? नहीं मालूम क्या है? लोहा, लोहा, वो माइक स्टैंड है ना, वो उसका तरह लोहा जो घर बनाता है, रॉड, वो रॉड. रॉड से पीटो बोला, और पीटा बोला वो लोग ने. वर्स वी वर इन वर्स 23 में बोल रहा है, एंड व्हेन दे हैड लेड मेनी स्ट्राइप्स ऑन देम दे थ्रू देम इनटू द प्रिजन कमांडिंग द जेलर टू कीप देम सिक्योरली. जब उन्होंने ठीक से पीटा उन लोग को, चलो बोलो ठीक से पीटा ना. खाना खाने का अभी खत्म होने के बाद खाना खाएगा तो कितना लोग ठीक से खाना खाएगा? कितना लोग खाएगा ठीक से? खाली हम लोग तीन चार जन. आप लोग ब्लॉक ब्लॉक लोग नहीं खाएगा ना. सब लोग ठीक से खाएगा तो खाना मींस प्रॉपरली आप खाया. बोला कि उनको ठीक से पीटा, उनको पीटने के बाद में जेल में बंद कर दिया उनको. हालेलुया, इंटरेस्टिंग कहानी है. एंड अपोस्टल पॉल का कैरेक्टर आप बाइबल में पढ़ने से, स्पेशली एक्ट्स में आप पढ़ेगा, वो मार खाया एक बार तो उसको ऐसा मारा मारा कि सब लोग सोचा कि मर गया, वो छोड़ के चला गया, सब लोग मर गया सोच के, और शहर के बाहर में फेंक दिया, मतलब मर गया डेड बॉडी. थोड़ी देर बाद में उठा बोला वो, सफा करा, वापिस वही शहर में गया और अपोस्टल पॉल जाके प्रीच करा बोल रहा है. हालेलुया, सोच के देखो. आमेन. हम लोग अगर आज में रतनपुर में हमको अगर एक पत्थर फेंक देने से मेरा गाड़ी के ऊपर में, नेक्स्ट टाइम पास्टर डिगंता को बोलेगा आर्मी लगा दी मैं वो तीते आई वो. उन्हें सिर्फ उसको मारा मारा, ऐसा मारा कि मरने का तरह मारा उसको. सोच के देखो, यहाँ पर रॉड से मारा,
जस्ट थिंग रॉड, ऐसा ठंडा का मौसम में सोचो तो केन से मारने से आपको केन फ्लेक्सिबल होला, उसको रॉड से मारा बोल रहा है उनको एंड जेल में धल दिया. और बाद में बोला कि वर्स 24 में बोल रहा है कि हैविंग रिसीव सच अ चार्ज ही पुट देम इनटू द इनर प्रिजन एंड फास्टन देयर फीट इन स्टॉक्स. बोल रहा है कि उनको सबसे नीचे, जेल का भी सबसे नीचे में घुसा के उनको चेन से बांध दिया बोल रहा है. हालेलुया. कोई कोई हिस्टोरियन, बाइबल हिस्टोरियन लोग बोलते हैं कि उस जगह पे पानी था नीचे, गटर का तरह पानी, चूहा था, कॉकरोच था, क्या क्या था पता नहीं, और उनको जेल का बोथ हैंड्स एंड लेग्स बांध दिया दोनों को भी. आमीन. हालेलुया. और बीच रात में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ. वर्स 25 में बोल रहा है कि पॉल और साइलस तो परमेश्वर को प्रार्थना करने शुरू कर दिया और हिम गाना शुरू कर दिया बीच रात में. चलो बोलो बीच रात में. हालेलुया. बीच रात में क्या करते हैं हम लोग? एक गाड़ी जा रहा है अभी. हालेलुया. बीच रात में वो लोग गाना करने शुरू कर दिया. हालेलुया. परमेश्वर गीत करने शुरू कर दिया. और कैसे करके, कैसे जाना कि वो लोग करने लग गया ये बात? दूसरा कैदी लोग सुनने लग गया उनका. उनका गाना ऐसे नहीं था जय जय प्रभु यीशु की, मैं कोयले नहीं तो पॉल, मैं नहे वो तो लोग सिलस की कोई दिन पीटर ही खोले मुख जबरदस्ती पथवा से. हालेलुया. वो लोग जोर जोर से गाना करने लगे परमेश्वर के सामने, आनंद मनाने लग गया. हालेलुया. आमीन. परमेश्वर का स्तुति करना शुरू हो गया. आमीन. सब लोग चर्च में आके अच्छा से गिटार कोई बजा रहा है, अच्छा आवाज, जॉन का तरह अच्छा आवाज वाला कोई गाना गा रहा है, पास्टर सुनीता का तरह अच्छा आवाज वाला गाना गा रहा है, कोई कीबोर्ड बज रहा है, ड्रम बज रहा है, बेस गिटार बज गया, लीड गिटार बज रहा है. उस टाइम में तो बहुत आसान है करना प्रे गाना, सबसे आसान टाइम है क्योंकि सब लोग गाना कर रहे हैं. आपका आवाज खराब होने से घुस जाओ बीच में, किसी को मालूम नहीं चलेगा कौन खड़ा है, गिटार बिया हुई से ना की भावना करेगा किसी को मालूम नहीं चलेगा उस टाइम में. हाँ कि नहीं? हाँ, एकदम आसान है. सब लोग हाथ उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं, तो आप भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब अकेला है घर में, आपको बीमारी मार रहा है, जब पैसा नहीं है पॉकेट में, आपको चर्च से बाहर निकला और अभी क्या, कहाँ जाएगा, पैसा नहीं है मेरे पास, खाना खाएगा नहीं खाएगा, क्या होएगा मेरे पास. जब काम में गया, आप काम से निकाल दिया, आपको लात मार के निकाल दिया. हालेलुया. किसी लड़की को आप प्रपोज किया, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया आपको ना, नलवी छोकरी खान चुली सीधा करू जाए, चुली जुलाई दिले ना उस ये देखो सन सिल्क बोल के ना निकाला, जल गया पूरा बेचारा का. तो उस टाइम में, सबसे दिगदार टाइम में आप क्या करता है, उस टाइम में रिएक्शन आपका क्या है? आप दो चीज से एक कर सकता है, एक तो खड़ा होकर रो सकता है आप, सबके ऊपर चिल्ला सकता है आप, आपका जला हुआ चूल्हा लंबा नहीं होएगा वो लड़की वापस नहीं आएगा, वो नौकरी आपको वापस नहीं मिलेगा. हालेलुया. आमीन. और आपका जीवन और भी खराब हो जाएगा. आप घर जा सकता है, यहाँ में क्या रॉक्सी मिलता है, रॉक्सी ना, रॉक्सी और क्या है, मधु भात ना, लाव पानी ना, लाव पानी, लाव पानी, लाव पानी, लाव पानी का एक बोतल किन के किमान से लाव पानी, किसी को दाम तो मालूम नहीं है ना फर्स्ट देखना दाम मालूम होने से लाव पानी का एक बोतल ले गया, बोतल मिलता ना, बाल्टी मिलता मालूम नहीं, लेकिन आप ले गया, एक बाल्टी ले गया लाव पानी घर में गया की उसे क्या हुआ, क्या हुआ, बहुत दांगड़ बाल्टी लो ऐसे जी की पार्टी ऐसे नहीं की, नहीं नहीं मोए शैतान और मोला दुख ते मोए घुसी जाओ बोले ऐसे, और रात भर पी के आप दारू पी के आपको नौकरी वापस नहीं आने वाला है, आपको चूल लंबा, दारू से लंबा कभी अभी तक सुना नहीं, लंबा चूली लंबा होता है, चूल लंबा नहीं होने वाला है, आपका स्कूटी वापस नहीं आने वाला है, आपका चोरी हो गया तो खाली आपका लीवर खराब होने वाला है. हालेलुया. आपका डिग्निटी जाने वाला है. आमीन. उसका बदले आप दूसरा रिएक्शन कर सकता है, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है. ओ बाबा ईश्वर धन्यवाद, वो तो स्कूटी जाए की विषय, आपने मुझे हजार स्कूटी दी बोले पा रहे. हालेलुया. आमीन. चूली चूली जाने की विषय, आपनी गिनती गुरा आसे और दीवी मुझे वो बोल सकता है हम लोग. हालेलुया. आमेन. आमेन. रिएक्शन आपका, आपका हाथ में है कंट्रोल करना आपको जो भी सिचुएशन हो. आमेन. जो प्रॉब्लम हमको पता नहीं क्या प्रॉब्लम, आप लास्ट 2019 में क्या प्रॉब्लम हुआ मालूम नहीं, लेकिन अभी हम लोग 2020 क्रिकेट में चला जा रहा है, साल 2020 है ना, 2020 मैच जा रहा है हम लोग शैतान के साथ में, खाली 20-20 ओवर का खेलेगा हम लोग शैतान के साथ में मार मार बॉल मार शैतान, छक्का सिक्स मारी वो मैं.
हालेलुया। आमेन। 2019 में क्या हुआ हमको पता नहीं आपके साथ में, लेकिन 2020 में जब आप घुस रहा है, आज का दिन से जब आप घुस रहा है, तो ये निर्णय लेके चलो कि आप आनंद मनाएगा। कोई भी सिचुएशन में आप आनंद मनाने वाला है। हालेलुया। कोई भी सिचुएशन में किस लिए आनंद मना रहा है आप? आपका जीवन बर्बाद हो गया इसलिए? नहीं नहीं, आपका जीवन बर्बाद होने से परमेश्वर उसको बना सकता है और वापस। हालेलुया। आमेन। आपका नौकरी जाने से क्या हो गया? आपको और अच्छा नौकरी मिल सकता है, परमेश्वर आपका लिए रास्ता खोल गया। हालेलुया। आमेन। कोई आपको साइड में देख के बोला, पास्टर आपके नहीं कोई ऐसा नहीं कि इतिया तो हंसी दीवी। हालेलुया। हालेलुया। लुक चैप्टर 10 वर्स 17 से लेके 20 तक मैं पढ़ने वाला हूँ, न्यू लिविंग अनुवाद से, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। उसमें ऐसा बोल रहा है, व्हेन द 72 डिसाइपल्स रिटर्न दे जॉयफुली रिपोर्टेड टू हिम, लॉर्ड इवन द डीमंस ओबे अस व्हेन वी यूज योर नेम। बोला वो उसका चेला लोग को जब भेजा यीशु मसीह ने, जब भेजा उनको प्रीचिंग के लिए, वो लोग वापस आके बोला, खुशी होकर बोला, वाओ प्रभु, शैतान भी हम लोग का बात मानता है आपका नाम चलाने से। वाह, मजा ना। कोई भूत पकड़ गया, सोचो और आप आगे जिसु और नाम, हम असमिस नहीं जानते थे, थोड़ा थोड़ा बोलने ट्राई कर रहा है, वो ये जिसु और नाम उलवा और ढप गिर गया वो आदमी और उठ के ठीक हो यार, क्यों विषय बोल के खड़ा हो गया। वाह, इतना मजा लगेगा कि नहीं ना। हम लोग कोई लोग तो ऐसे है, शैतान दूरी से बोलने से तो चर्च में अगर लेके आ गया तो हम लोग इतना उलाएगी ना, मुड़ बिटोटन है वो ना ना। लेकिन आप सोचो पहले मैं एक बार नेपाल गया, एक छोटा कहानी बोलूँ, सुनना है कहानी। नेपाल गया मैं एक बार, तो एक बस्ती में गया हम लोग और वहाँ पर ऐसे जमा करा, लोग को जमा करा और सुसमाचार प्रचार करा। उसके बाद में एक नेपाली औरत आया, जवान ही था वो, छोटा बच्चा के साथ आया, उसका हस्बैंड भी आया। उसका हस्बैंड नॉन बिलीवर था, आर्मी में था, नेपाल आर्मी में था, और वो औरत तो बिलीवर था, बट आई डाउट वो बिलीवर था क्योंकि उसका अंदर में दुष्ट आत्मा था, तो आई डाउट शी वॉज अ बिलीवर। लेकिन क्या हुआ, उसके लिए प्रे करने के लिए बोला मेरे को, तो कोई जहाँ में ऐसा होता है ना, प्रे करेगा बोले फट से घुटना में गिर जाता है। अच्छा, ये गिरने से भी, लेकिन वो फट से घुटने में गिर गया। चलो हम लोग उठ जाने से वो होगा, तो नहीं 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 ऐसे रहेगा बोल के घुटना में। हम प्रे करा, जब जैसे हम इन द नेम ऑफ जीसस आई कास्ट यू आउट बोल के सिर्फ बोला कि इन द नेम ऑफ जीसस आई कास्ट यू आउट डीमन, जैसे हम बोला आवाज, मतलब ये भी एकदम वैसे नहीं, इससे भी खतरनाक आवाज निकला। तो हम तो आँख खोल के, हम नॉर्मली हम थोड़ा अलग टाइप का पास्टर है, आँख खोल के प्रे करता है, हम वॉच एंड प्रे बोला ना, इसलिए ना, इसलिए आँख खोल के प्रे करता है हम तो हम इन्होंने जीसस आई कास्ट योर डीमन, जैसे बोला उसका आवाज एकदम अलग से निकला उसका। इनफैक्ट आई थिंक फ्रॉम द स्टमक से, पेट से आवाज निकला उसका, मुंह से जबान से नहीं निकल गया, पेट से आवाज। जैसे बोला, उसका पति साइड में बैठा हुआ था, झुक करके हमको देखा, वो पास्टर भागेगा ना क्या हम मेरे को देखिएगा, उसको देखिएगा, मेरे को देखिएगा, उसको देखिएगा, ऐसे। बट थैंक गॉड कि वो डीमन उसको, औरत को छोड़ के चला गया। हालेलुया, आमेन। तो लेकिन हाँ, मजा एक तो लगता है खड़ा होने के बाद में, हम जब उसका पति को देख रहा, पति से हैंडशेक करा था, तो मजा एक टू आया, देखो इंडिया से आया हम इंडिया से आया मेरा दोस्त ना इंडिया से आया हैंडशेक करने में, वो भी एकदम पास्ट। अभी तो एकदम, पहले तो एकदम कुछ स्केप्टिकल था देख के, ये जवान लड़का क्या करेगा, मेरे बीवी को लेके भाग जाएगा ना क्या ना कुछ प्रे करने के बाद में, दुष्ट आत्मा भागने के बाद में, तो जब हैंडशेक कर रहा है वो भी, तब भी मेरे को एकदम रिस्पेक्ट से, पास्टर और अनुस ना कुछ नेपाली में कुछ कुछ बोल रहा है और इंटरप्रेट कर दे रहा है हिंदी में एक जन, और उसके बाद में एकदम मजा एक ठू, मतलब दुष्ट आत्मा भी भाग रहा है, वाह यीशु मसीह का नाम से, तो मजा। वैसी तरीके में यीशु मसीह का चेला लोग आया और बोला, वाह प्रभु दुष्ट आत्मा भी भाग रहा है रे आपका नाम से, तो भाल लगिले यीशु दुष्ट आत्मा ही बोला ऐसे 21 नामोत न बोलने के बाद में यीशु मसीह ने वर्स 18 में बोला, यस ही टोल्ड देम आई सॉ सैटन फॉल फ्रॉम हेवन लाइक लाइटनिंग, बोला कि मैंने शैतान को देखा है स्वर्ग से एक लाइटनिंग की तरह गिरना, पृथ्वी पर गिरना। मतलब जब शैतान को परमेश्वर ने लात मारा, स्वर्ग से जब लात मार के भगाया लूसीफर को, वो ऐसे गुड बाय नहीं था, अच्छा लूसीफर जाए जभी मोई बहुत मन दुख लगी ऐसे अपनी की कथा बोले, भी उपाय ना है तो पाप कुरी से, ऐसे नहीं था। परमेश्वर ने हु मारा और वो जुप बाहर, स्वर्ग से बाहर। हालेलुया, क्या पता लात मारा शायद परमेश्वर ने, पीछे कर लो बोल के जा पता नहीं हम लोग को, लेकिन भी
यीशु मसीह बोला कि मैंने देखा है शैतान को भी स्वर्ग से, परमेश्वर ने कैसे निकाल के बाहर फेंका है ना, स्वर्ग से देखा है। और उसने बोला कि लुक आई हैव गिवन यू अथॉरिटी, वर्स 19 में बोल रहा है कि आई हैव गिवन यू अथॉरिटी ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी एंड यू कैन वॉक अमंग स्नेक्स एंड सर्पेंट्स एंड क्रश देम, नथिंग विल इंजर यू। बोला कि मैं तुम लोग को सब अधिकार दे रहा हूँ दुष्ट शैतान के ऊपर में, दुश्मन के ऊपर में सब अधिकार दे रहा हूँ। वर्स 20 में बोल रहा है कि बट डू नॉट रिजॉइस बिकॉज ईविल स्पिरिट्स ओबे यू, बोल रहा है कि आनंद मत मनाओ, दुष्ट आत्मा लोग तुम लोगों का बात मान रहा है इसलिए। ये तो छोटू मोटू कथा से, दुष्ट आत्मा आपका नाम यीशु मसीह के नाम से भाग रहा है प्रे करके, ये छोटा मोटा बात है बोल रहा है जिस यीशु मसीह बोल रहा है, ये तो खुशी की बात है लेकिन ये तो छोटा मोटा बात है। हम लोग तो क्या है, अगर एक दुष्ट आत्मा भाग गया तो रिकॉर्डिंग बनाएगा, फेसबुक में डालेगा, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लोग डालेगा, टंग 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 म्यूजिक आएगा, नाम आएगा रेवरेंड डॉक्टर पास्टर लियांडर डेविड करके आएगा, अपोस्टल ऑफ असम करके आएगा नीचे में, और तार नंबर याद से कॉन्टैक्ट करो, कॉन्टैक्ट फोन फॉर प्रेयर रिक्वेस्ट बोल के टांग 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 पूरा आएगा। यीशु मसीह बोला ये तो छोटा मोटा बात है, ये सब फेसबुक में डालने का बात भी नहीं है। बोला कि तुम लोग का नाम स्वर्ग में लिखा है इसलिए आनंद मनाओ, हो रहा है हालेलुया आमेन हालेलुया। बोल रहा है कि वर्स तो नहीं बोल रहा है, बट रिजॉइस रिजॉइस बिकॉज योर नेम्स आर रजिस्टर्ड इन हेवन, हालेलुया। ए एनआरसी हुआ है, वो मोटा एनआरसी हुआ है तो क्यों हो, वो हेवन तो ऐसे अपना नाम, हालेलुया हेवन ला एनआरसी तो ऐसे तो हालेलुया आमेन। कि मैं 14 लाख कितना हो गया रेफ्यूजी होएगा ना, बोला था 14 लाख ना समथिंग, 14 लाख रेफ्यूजी के लिए जगह ही नहीं आसाम का गवर्नमेंट को रखने के लिए। अगर 14 लाख आदमी को वो लोग डिटेंशन कैंप में रखेगा तो सरकार 2 दिन में बैंक्रप्ट हो जाएगा खिला के उन लोग को। 14 लाख पीपल सोच के देखो, उसमें आप अगर आपका नाम भी नहीं है तो जाना फ्री राशन खाना। हालेलुया आमेन। तो आनंद मना सकता है कि स्वर्ग में आपका नाम लिखा हुआ है, हालेलुया आमेन। आपका साइड में देखिए बोला, अरे अपना नाम भी लिखा से दे नंबर तो जने ना जने। हालेलुया आमेन। एक इंटरेस्टिंग वर्स है एक्चुअली, हालेलुया एक तो इंटरेस्टिंग वर्स दिखाएगा आपको, आप भी देखा भी होगा बाइबल ऑफ कोर्स भी है। लेट्स सी I think Second Corinthians chapter 1, I guess. I was looking at it just before. Second Corinthians chapter 1, verse 24. कितना लोगों को ठंडा लग रहा है? किसी को ठंडा लग रहा है? मेरे को तो बहुत गर्म लग रहा है, इतना सारा लाइट है इधर पे। Second Corinthians chapter 1, verse 2. Oh, sorry, verse 24. Sorry. Second Corinthians chapter 1 verse 24 बोल रहा है, not that we have dominion over your faith but our fellow workers for your joy for by faith you stand। बोल रहा है कि आपका विश्वास का ऊपर हम लोग को डोमिनियन करने के लिए नहीं आया, राज करने के लिए नहीं आया। बोल रहा है अपोस्टल, बोल रहा है हम आपका विश्वास के ऊपर राज करने के लिए नहीं आए। तो हम भी आज आपको बोलेगा आपका विश्वास के ऊपर हम राज करने के लिए नहीं आए। हालेलुया आमेन। बोल रहा है कि हम आपका विश्वास के ऊपर राज करने के लिए नहीं आए, बट बोल रहा है कि बट फेलो वर्कर्स फॉर योर जॉय, आपका आनंद का काम में आपका मदद करने आया। बोल रहा है आपका आनंद के लिए। हालेलुया। आपका साइड में किसी को देख के बोलो, आपका विश्वास को हम आपका विश्वास के ऊपर फुटानी करने के लिए नहीं आया। बोलो, होने से भी आपको आनंद मनाने के लिए मदद करने के लिए आया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया बोल के गर्म लग जाता नहीं, कितना सारा कैलोरी जला दे रहा है। कल रात में हम देख रहा था, व्हेन यू लाफ, जब आप हंसता है खुशी मनाता है, जब हंसता है आपका बॉडी में एंडोर्फिन्स, आपका ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, केमिकल्स रिलीज होता है, और वो केमिकल्स क्या करता है बोलने से आपका बॉडी को हील करने के लिए हेल्प करता है। हालेलुया आमेन। बाइबल में बोल रहा है कि अ मेरी हार्ट डज गुड लाइक मेडिसिन, खुशी वाला दिल तो दवाई का तरह काम करता है। बोल रहा है नीति वचन में, बोल रहा है प्रोवर्ब्स में, बोल रहा है कि खुशी दवाई का तरह काम करता है। आमेन। और साइंस भी क्या बोलता है हम लोगों, जब आप हंसता है तो पता नहीं आप लोगों को कितना जन को थेरेपी दे दिया हम आज, पवित्र आत्मा ने और मैंने मिल के आपको थेरेपी दिया लग रहा है आज। तो आप लोग को तो बीमार बीमार है इसलिए, कमर भी खा इसलिए बोल के आया,
अभी कमर दर्द भी खत्म हो गया, देखो आप चेक करके देखो, कमर दर्द भी खत्म हो गया आपका किसी किसी का। हाल क्या हो रहा है, ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है हम लोग का केमिकली। हाल भैया फर्स्ट थिंग स्पिरिचुअली क्या हो रहा है बोलने से, तो आप आनंद मना रहे हैं, परमेश्वर का उपस्थिति आ रहा है आपका जीवन में, इन योर प्रेजेंस इज फुलनेस ऑफ जॉय बोल रहा है। तो आप कब आनंद मनाता है, परमेश्वर का उपस्थिति आपका जीवन में और दिखता है आपको, हाल भैया। और स्पिरिचुअली वो हो रहा है, फिजिकली आपका ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहा है और आपका बॉडी हील हो रहा है। तो जब सर्दी खांसी होने के लिए होता है ना, गला दर्द करता है, मुझे सर्दी लगी जब वो लाल बोलते ना हम लोग, सब लोग डॉक्टर बनता है, तो हम लोग गला दर्द करते सर्दी लगी वो काली, तो मुझे वो बोलने के बदले आनंद मनाने शुरू कर दो। हालेलुया, आमीन, आमीन। दूसरा चीज़ है बोल रहा है कि साइंस बोला कि अगर आप दिन में अगर आप आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक घंटा 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक आप हंसता है, इतना लंबा तो कोई भी नहीं हंसता होगा शायद, पता नहीं पास्टर डिगंत हम दोनों मिलने से हंसता है इतना, लेकिन पता नहीं, बट 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक आप हंसता है बोलने से आप लगभग 40 कैलोरीज जला देता है। और आप हंसने से क्या है, एक अच्छा चीज़ क्या है आपका, ये साइंस बोल रहा है, साइंस बाइबल में बैठ जाएगा हम लोग भी। हंसने से क्या होता है, आपका गट मसल्स बनता है बोला, मतलब पेट का सिक्स पैक किसको चाहिए, अपने तो लगे थे सिक्स पैक मतलब आपका पेट का मसल स्ट्रांग होता है बोल रहा है। हालेलुया, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लग जाए लगता है जब आप हंसता है। हालेलुया, नॉर्मली ओ मोर ब्लड शुगर है ना, मिलेगा ना, मिलने से क्या होता है ब्लड शुगर, और कोई कोई लोग ऐसे तो जब मिलता है वो लोग नहीं मिलता है, वो लोग का ब्लड प्रेशर मिलता है और वो लोग का ब्लड शुगर मिलता है ना, ओ किन्नी कहाँ से, ओ भाल से होली आज ही कल वो ब्लड प्रेशर उठे यहाँ से, अरे अपना की ब्लड प्रेशर मोर 200/100 ना, वो बोलेगा ए बात दे टूर तो बात दे, मोर शुगर लेवल तो सा वो पसीना वाला ले मधुमक्खी आ जाए ना, मिलने से बोलते थे हम लोग नॉर्मल ना, लाइक आज सुबह पास्टर डिगंत हम दोनों मिला तो हम लोग बोला है कैसे चर्च कैसे चल रहा है सर, तो नॉर्मली अगर आपका चर्च नहीं चला, पास्टर नहीं है, घर वाले को मिलने से क्या बोलता है, ओ थोड़ा मोटा हो गया तो आप ना, तो बोलेगा ओ तू भी थोड़ा मोटा हो गया ना, अरे लेकिन मोटा होने से बहुत प्रॉब्लम है, दे कमर दर्द पकड़ लिया मेरे को, अरे तेरे को क्या कमर दर्द पकड़ा, मेरे को तो पांव दर्द भी होता है इतना, अभी बीमारी खेल रहा है हम लोग। और जितना बीमारी के बारे में बोलेगा इतना बीमार लगने लग जाएगा आपको, गौर करो दे आप, माथा दर्द कर रहा है आपका अभी ना, तो अरे माथा बिखा जितना आप बोलेगा उतना दर्द करने शुरू हो जाएगा आपको। हालेलुया, जितना फोकस होता देगा आप अपना, आमीन। पैसा नहीं है, पैसा नहीं मुड़ो, तो पैसा नहीं बोल के घूमो तो ऐसा लगे कि आप फटी जा रहे, आमीन। जितना अपना प्रॉब्लम को आप बोलेगा उतना ही जरा मैनिफेस्ट ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है आपका, उसका बदले क्या है, परमेश्वर का आनंद मनाना है उससे अच्छा। हालेलुया, हाँ प्रॉब्लम हो सकता है आपको, हाँ ब्लड प्रेशर है आपको, अरे ब्लड प्रेशर से होली प्रे कुरिशी में उतनी दिन पास्टर डिगंत लोग जाए ना, कहीं भी आए वो चढ़ चढ़ ऐसे बोल सकता है, तो नेक्स्ट संडे चल मुड़ लो चर्च चल पास्टर लोग प्रे कर दी वो। हालेलुया, यू कैन आप एनी टाइम कोई भी सिचुएशन को पलट सकता है आप, शैतान जो खराब के लिए कराए परमेश्वर का वचन से आप उसको पलट के अच्छा के लिए कर सकता है आप। हालेलुया, आमीन। तो बोल रहा है कि आपका आनंद को मदद करने के लिए आया है बोल रहा है उसमें, 2 कुरिन्थियों 1:24 बोल रहा है आपका आनंद को मदद करने के लिए। हालेलुया,